देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण मुख्यालय में अधिकारियों की तैनाती को लेकर गैरसैंण प्रेस ने आंदोलन की व्यापक रूपरेखा तय की है। प्रेस प्रतिनिधियों के अनुसार तहसील के मुख्य द्वार पर मंगलवार से शुरू किए जाने वाले आंदोलन को नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन उत्तराखंड, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार संघ गैरसैंण सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, शहीदों के परिजन और क्षेत्र के महिला मंगल दल और युवक मंगल दल तथा गैरसैंण और महल चोरी नगरवासियों का समर्थन है। गैरसैंण प्रेस के सचिव पुष्कर रावत कुलखी ने बताया कि क्षेत्र के विधायक अनिल लोटियाल ने मांगों पर 2 सप्ताह में कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिस पर गैरसैंण प्रेस द्वारा भूख हड़ताल को पखवाड़े भर के लिए धरना प्रदर्शन में तब्दील किया गया। बताया कि अधिकारियों की तैनाती पर ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 मार्च 2020 को सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। वहीं गैरसैंण में सचिव स्तरीय अधिकारी तैनात किए जाने की घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद एक एक कर यहां के विभागों को अधिकारी विहीन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ अभी तक जारी है। बदहाली का आलम यह है कि वर्तमान में SDM, तहसीलदार, BDO, BEO, जल संस्थान अभियंता सहित अधिकांश विभागों में प्रभारी व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समर कैपिटल नायब तहसीलदार के भरोसे चल रहा है। गैरसैंण की स्थिति जो है बदतर होती जा रही है लगातार। यहाँ पर जो तहसील मुख्यालय है उसमें SDM से लेकर के छोटे कर्मचारी तक, यानी सभी विभागों में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कोई जिम्मेदारी अधिकारी तैनात है। SDM नहीं है, तहसीलदार नहीं है, BEO नहीं है, BDO नहीं है। यहाँ तक कि जो ये जल निगम जल संस्थान होते हैं, इनके जो कनिष्ठ अभियंता, अवर अभियंता, सहायक अभियंता हैं, जिनकी यहाँ तैनाती है, वो भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको लेकर हमने 10 नवंबर को हमने यहाँ पे एक सांकेतिक धरना किया था तहसील कार्यालय में, और मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी अधिकारी के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया था कि कुछ मांगों को लेकर, जिसमें हमने SDM की तैनाती, तहसीलदार की तैनाती, BDO, BEO। हमें बड़ा खेद है कि एक माह पूर्व हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि हमारे गैरसैंण में अधिकारियों की व्यवस्था कर दी जाए, सारी प्रभारी व्यवस्थाएं चल रही है। और मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, हमारी तो कल्पना ये थी कि गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर जो है, जो कुमाऊँ गढ़वाल के सेंटर में है, यहाँ तो राज्यपाल को बैठना था, लेकिन आज खेद है कि यहाँ एक SDM भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सारे कार्यालय जो है प्रभारी व्यवस्था पर चल रही है, और गैरसैंण को जोड़ने वाले जितने भी लिंक रोड है सारे खड्डों में तब्दील हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक महीने का अल्टीमेटम देने के बाद भी जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमें मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ा। हमें कोई शौक नहीं था, हम तो पत्रकार लोग भी हैं, हमारा काम तो लिखने का था, लेकिन मजबूरन हमें यहाँ पर बैठना पड़ा है। और हम फिर भी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी बातें सुनी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रदर्शन है या आंदोलन हम कहें, ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए काजल, आपने सही कहा कि आंदोलन जो है रुकेगा नहीं, क्योंकि गैरसैंण एक ऐसी जगह है जनपद चमोली की नहीं, पूरे उत्तराखंड की, क्योंकि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे घोषित किया गया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ के जो प्रेस के लोग हैं या जो पत्रकार लोग हैं, उनको जो है मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे समस्या, चाहे आप जल संस्थान की बात आप कर लीजिए, यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठता है, आप SDM की बात कर लीजिए, SDM यहाँ पे नहीं बैठता है, जहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र बनने होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनने होते हैं, BDO यहाँ पे नहीं है। तो एक तहसीलदार के भरोसे जो है गैरसैंण को का जो मुख्यालय है, इसको चलाने में सरकार जो है अपनी कामयाबी भले ही इसको कह सकती है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें एक आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला कि यदि इसको आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित कर दिया गया है, भाजपा की सरकार ने, जो वर्तमान सरकार भी थी और पिछली सरकार भी थी, इसको गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इसको घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे सड़कों की आप बात कर लीजिए या विभागों की आप बात करते, कोई अधिकारी यहाँ पर बैठने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे आपने देखा होगा किस तरह से लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने जो अपना अपना जो भूख हड़ताल पे इन लोगों को बैठना था, लेकिन जो अनिल नौटियाल विधायक है, इनसे इनकी वार्ता हुई है, इन्होंने कहा कि आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम यहाँ पे तैनाती कर लेंगे। लेकिन
कब तैनाती होगी, कब यहाँ पे SDM बैठेगा या कब यहाँ पे नया तहसीलदार बैठेगा या कब यहाँ पे जल प्रशासन के अधिकारी बैठेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि बैठ पाता है नहीं बैठ पाता। लेकिन उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम इसको कहेंगे काजू, क्योंकि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पे अधिकारियों का ना बैठना और अधिकारियों का इस जगह का, इस क्षेत्र का संज्ञान न लेना, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य जो हम उत्तराखंड की उत्तराखंड का भी कहेंगे और गैरसैंण की जिस तरह से उपेक्षा की जाएगी। हम लेकिन ये जो मांगे हैं, ये मांगे आज की नहीं है, कई दिनों की ये मांगे हैं। गैरसैंण भगवान भरोसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब आम जनता करे तो क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा काजोल की गैरसैंण जो है भगवान भरोसे चल रहा है, ये सही बात है। क्योंकि जब यहाँ की जो आम जनता है, क्योंकि लोगों को जो अपने काम के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, मूल निवास होता है, किसी का किसी की पेंशन लगने होती है, किसी को जो भूमि किसानों को यहाँ पे पहुंचना पड़ता है, तो अधिकारी का ना बैठना तो गैरसैंण की उपेक्षा तो है ही। लेकिन जिस तरह से अधिकारी अपना रुख यहाँ पे दिखा रहे हैं या यहाँ पे नहीं बैठ रहे, तो बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है स्थानीय लोगों के लिए कि यहाँ पे अधिकारियों का ना आना, चाहे वो जिला अधिकारी की अगर बात करी जाए, ना इसको जिला अधिकारी इसका संज्ञान ले रहा है, ना कोई आला अधिकारी इसका संज्ञान ले रहे हैं। गैरसैंण की तो हमेशा से उपेक्षा होती आई है। लेकिन जो लोग यहाँ पे जब पत्रकार जब यहाँ पे क्यों बैठे, सबसे बड़ा सवाल यह है काजोल की पत्रकार लोग यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे समस्या लेके आते हैं तो उनकी समस्या का उजागर या उनकी समस्या जो है सरकार तक कैसे पहुंचे, प्रशासन तक कैसे पहुंचे, तो पत्रकारों ने ये कदम यहाँ पे उठाया है कि हम इस पे हमारा अनशन पर बैठेंगे और उसके बाद जो है इनको जो है समर्थन में मिलने बैठे। हालांकि अन्य जानकारी पहुंचाने के लिए, तो चमोली का एक पूरा मामला है जहाँ पर गैरसैंण में अधिकारी की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है और तमाम ऐसे लोग हैं और एक प्रेस का आंदोलन भी शुरू हुआ है। उनकी मांगे हैं कि यहाँ पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की में देहरादून रोड स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला नर्सों ने अपने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है, जिससे निजी अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ले रही है। आरोप लगाने वाली दोनों स्टाफ की महिला नर्सों ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर उनके साथ फोन पर अश्लील हरकतें करते हैं और साथ ही उनसे मिलने जुलने के लिए दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर वो कई बार उनसे मना कर चुकी है, लेकिन डॉक्टर उनसे रात को फोन कर बात करता है, उनसे मिलने की भी बात कहता है। नर्स का आरोप है कि डॉक्टर आए दिन उसे परेशान करता है, एक दिन कार में अस्पताल छोड़ने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की, इसके अलावा आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणी भी करता है। वहीं नर्स ने अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। हंगामे होने पर अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर गंगनहर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। इस मामले में पीड़ित नर्स ने पुलिस को तहरीर दी है। महिलाओं ने डॉक्टर पर आरोप लगाया, जिसके बाद इसकी जानकारी महिलाओं ने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने कुछ जानकारों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिला को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। इस मामले में रुड़की गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्या पाल ने बताया कि देहरादून रोड स्थित एक निजी अस्पताल के स्टाफ की महिलाओं का एक मामला कोतवाली में आया है। पूरे मामले की सर, हम मुजफ्फरनगर के हैं और हम तीन महीने पहले हम रुड़की में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर वसीम के यहाँ पे आए थे जॉब करने के लिए। ये वहाँ की डॉक्टर है और मैं स्टाफ में हूँ। तो सर, अभी कुछ टाइम पहले, एक डेढ़ महीने पहले से ही डॉक्टर वसीम हमारे साथ अजीब हरकतें कर रहे थे, जैसे तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वगैरह वगैरह इस तरह से बात कर रहे थे। तो अभी दो चार दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे, कभी उन अपने कैबिन में बुलाना, कभी अजीब अजीब से सवाल। तो फिर मैंने इनसे क्या है कि अपनी नाइट शिफ्ट करा ली थी, मैं नाइट में जॉब करने लगी थी। फिर तो अभी कुछ टाइम, दो तीन दिन पहले वो आए, वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहने लगे कि चलो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी। जैसे मैं कंफर्म करने गई ना उनसे, वसीम से, कि तुमने ऐसा क्यों करा है भाई लड़की के साथ में, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, तो हाथ पैर जोड़ने लगा, ये बोल रहा मुझे रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लड़की को आज से परेशान नहीं करूंगा। मैंने बोला अच्छा एक काम करो, हमारा हिसाब कर दो, तुम हम यहाँ काम करते नहीं है। मैंने इसके साथ में जाके, ये तो गई नहीं थी, मैं अकेली गई थी, मैंने बोला हिसाब कर दो, हम काम करने के नहीं यहाँ बिल्कुल भी सर। उन्होंने बोला चलो ठीक है हिसाब कर देंगे। तो फिर एक मोनू है ना वहाँ पर, मोनू आया, मोनू ने बोला हिसाब कर देंगे, एक रात हमारे साथ सो ले, तेरा हिसाब कर देंगे।
ये बोला उन्होंने। फिर मैंने बोला सर ये देखो किस तरीके से कह रहे कि एक रास सोले, जब तुम्हारे सामने ही हमें इस तरह कह रहे कि एक रास सोले, तुम्हारे पीछे हमारा क्या करते होंगे फिर यहाँ पर, ये हमें फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ, और ये एक रास सोले, एक रास लिख के सोने के लिए आई हूँ मैं। तो उन्होंने सर ने मुझे घर पर वहाँ पे रूम पे भेज दिया कि मैडम तुम रूम पे चले जाओ, तुम्हारे पैसे वहीं पहुँच जाएंगे। बस फिर मैंने इन भैया को बताया, इन भैया से मैंने बोला कि इस तरह हो रहा है, ये कौन सी बात हुई सर कि एक रास सोलो, हमारे साथ में हिसाब कर देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, नर्सों ने अपने ही डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर का, क्या कुछ कहना है नर्स का और पुलिस का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है, ये रुड़की गंगा कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल की जो दो नर्स है उन्होंने अपने ही डॉक्टर पर अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। वहीं अगर देखा जाए तो जो दो वहां पर नर्सें थी ना, इसकी सूचना जो अपने परिवार वालों की थी, तो परिवार वालों ने कुछ आसपास के जो लोग उनके जानकार थे उनको वहां पर भेजा और उन्हें जमकर वहां पर हंगामा काटा, जिसके बाद इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं कोतवाली जो प्रभारी निरीक्षक है सरा पालन का अब तौर पर कहना है कि मामला जो है मेट्रो हॉस्पिटल का है, दो नर्सों के का है, मामला कोतवाली में पहुंचा है, जिस लेकर छानबीन की जा रही है कि क्या है पूरा मामला, उसके बाद पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है शहजाद, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका भी आरोप है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर है वो बाज नहीं आया, और जो दूसरा स्टाफ का कर्मचारी है उसको लेकर क्या कुछ कहा? बिल्कुल, साफ तौर पर महिला को साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ जो है अश्लील हरकतें है काफी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन वो जिसको वो उसको बताना नहीं चाहती। अब जब देखा जाए तो जो निजी डॉक्टर है उन्होंने नर्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें जिसको देखते हुए उसे काफी जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी, और वहीं जो नर्स थे उसका साफ तौर पर कहना है कि उनकी एंगेजमेंट हो रखी है जिसको लेकर वो काफी डिप्रेशन में है, और वहीं उसको देख। शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का एक पूरा मामला है जहां पर छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी से परेशान होकर एक नर्स ने अपने ही डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और तहरीर भी दी है। पर्यटन सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने चमोली दौरे पर रहे, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराज का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जिला सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे इस बात पर गंभीरता से काम किया जाए, जनप्रतिनिधियों और जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और उन पर अमल भी किया जाए। बैठक से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री ने 5,78,00,000 की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शीतकालीन धार्मिक स्थलों को प्रचार प्रसार के माध्यम से विकसित किए जाने की बात कही। जोशीमठ भूदसाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के समीप मुझे शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये पूरी सौगात जो है 5,65,43,000 की ये सौगात है, जिसमें कि शिलान्यास और लोकार्पण के हमने जो है कार्यक्रमों का ये बजट है, और इससे मैं समझता हूँ कि पूरे चमोली जनपद का विकास होगा। और हमने भविष्यबद्री कार्तिकेय स्वामी और कालीमठ की भी विशेष उसको आगे उसके विकास के लिए हमने योजना बनाई है, और विशेषकर हमारा शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ाने का लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा के बाद जब यहाँ हमारा पहाड़ सुनसान हो जाता है तो यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि औली में बर्फबारी पड़ती है, लोग स्कीइंग के लिए आते हैं, यहाँ पर यमुनोत्री के पट बंद होने के बाद खरसाली में पूजा होती है, गंगोत्री में पट बंद होने के बाद मुखबा में पूजा होती है, केदारनाथ के बाद पूजा ऊखीमठ में होती है, और भगवान बद्री विशाल के पट बंद होने के बाद पूजा जो है आपके जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सतपाल महाराज पहुंचे चमोली, भव्य स्वागत किया, साथ ही साथ वहां पर
सतपाल महाराज साफ तौर पर कह रहे हैं बैठक में कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, साथ ही साथ गांव-गांव तक जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। कितने तत्पर अधिकारी नजर आए? बिल्कुल देखिए काजोल की पर्यटन जो पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार के हैं सतपाल महाराज, क्योंकि इनका कल गढ़वाल का दौरा चल रहा है, कल वो रुद्रप्रयाग थे, रुद्रप्रयाग के बाद आज का उनका एक दिन का जो एक दिवसीय जो दौरा था वो जनपद चमोली का था। यहाँ पे विभिन्न 5 करोड़ से ऊपर की जो लागत से जो विकास कार्य हुए हैं इनका यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास जो है गोपेश्वर में किया गया। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, अधिकारी यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत काजल उन्हीं की अधिकारियों की आती है, जल संस्थान की। मैंने आपसे पहले आपसे बात करी, जल संस्थान हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया या पीएमजीएसवाई हो गया, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं जो विभाग देता है उनको यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश जो है सतपाल महाराज के द्वारा दिए गए कि यदि कोई महत्वाकांक्षी योजना जो है गाँव तक नहीं पहुंच पाती उसको भी यहाँ पे धरातल पर उतारने का काम जो है अधिकारी और कर्मचारी लगातार पटल पर रखे और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। अधिकारी को यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश दिए चाहे सतपाल महाराज जी को लेकर हमेशा ये कहा जाता है, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि सतपाल महाराज तो है वो तो पहाड़ों की तरफ रुख ही नहीं करते हैं, मैदानी इलाकों में भी कम ही दिखाई देते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। लेकिन जिस तरह से सतपाल महाराज चमोली पहुंचे और यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है, इससे क्या नजर आता है कि वाकई पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से तत्पर हैं प्रदेश के विकास को लेकर, तमाम मंत्रियों को भी होना पड़ेगा। बिल्कुल 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 देखिए काजल आपने सही कहा, क्योंकि हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव भी होना है तो उसको लेकर भी सतपाल महाराज जो है गढ़वाल से पिछली बार कई बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या तो सतपाल महाराज सांसद की तैयारी कर रहे हों, कभी वो गढ़वाल का भ्रमण कर रहे हों, जैसा आपने कहा कि पहाड़ों का रुख कम करते हैं। लेकिन जिस तरह से सतपाल महाराज जो है शीतकालीन को लेकर जो है जिस तरह से आपने देखा हो शीतकालीन पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने की उन्होंने बात करी, या तमाम सारे चाहे होली को लेकर हो, चाहे आपका केदारनाथ को लेकर हो, गंगोत्री को लेकर हो, जहाँ पे शीतकालीन यात्रा चल सकती है, इसको लेकर भी यहाँ पे सतपाल महाराज जो फ्रंट फुट पर दिखे। लेकिन जिस तरह से आपने की पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है जिलों का दौरा करते हैं, विकास कार्यों को किस तरह से धरातल से उतारा जा रहा है इसकी समीक्षा करते हैं। लेकिन सतपाल महाराज एक अलग ही, इनका पर्यटन मंत्री भी हैं और उसके बाद जो है सिंचाई विभाग भी इनके पास भी है, पीडब्ल्यूडी भी इनके पास है, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं या सड़कों का जब जाल बिछता है, लाइफ लाइन जो है गाँव की कहने जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं, इनको यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश दिए गए कि यदि कोई सड़क ऐसी सड़क है जो नहीं बन पाती है या भूमि स्थान को लेकर, चाहे वन विभाग को यहाँ पे कहा गया कि यदि आपके पास ऐसी फाइलें सड़क से लेकर या सिंचाई से लेकर ऐसी कोई दिक्कतें जो है वन विभाग के पास आती है तो इसको तुरंत यहाँ पे निपटारा किया जाए। हालांकि महाराज जिस तरह से सतपाल महाराज इस समय गढ़वाल का दौरा कर रहे हैं या अलर्ट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, और अपनी जो यहाँ पर भूमिका है वो भी बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सतपाल महाराज चमोली दौरे पर रहे, यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में एक अर्ध निर्मित भवन में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोर कॉलेज के बगल में स्थित भवन की पहली मंजिल पर फंदे से लटकता पुरुष का कंकाल मिला है। करीब 2 महीने पुरानी ये बॉडी बताई जा रही है और अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मेथडिस्टा सुसाइड का लग रहा है मामला, लेकिन मौके पर थाना अध्यक्ष बहादुराबाद नीतीश शर्मा पहुंचे, पंचनामा भरकर कंकाल को सुरक्षित रखवाया है। रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर फंदे से कंकाल लटका मिला है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कोर कॉलेज के बगल में स्थित भवन की पहली मंजिल पर ये शव मिला है, हालांकि पूरी तरह से कंकाल हो चुका है। पुलिस की माने तो करीब 2 महीने पुरानी ये बॉडी या शव कहें ये बताया जा रहा है, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया ये मामला खुदकुशी का लग रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, ये जो कंकाल मिला है जिससे हड़कंप मचा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या ये खुदकुशी है या किसी की हत्या करके शव को यूं फंदे से लटकाया गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है भादराबाद थाना क्षेत्र का है। वहीं ये जो जहां पर ये कंकाल है और पुलिस के पास एक निर्माण बिल्डिंग वहां पर काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिसमें कंकाल वहां पर पड़ा हुआ था। वहां पर एक जो कबाड़ी के लिए वहां पर पहुंचा, उसने देखा वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ है जिसकी
अलग पड़ा हुआ है, उसने उसकी सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलते ही हड़कंप सा मच गया और मौके पर पहुंचे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो बॉडी है, जो शव है, वो 2 महीने पुराना है, क्या 2 महीने तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुंची, तो फोरेंसिक टीम का कहना है कि ये लगभग 2 से 2.5 महीने पुरानी जो कंकाल है, और बड़ी बात यह है कि किसी ने भी वहाँ पर आज तक उसको देखा नहीं वहाँ पर जाकर, जबकि वो पूरी तरह से सड़ चुकी है जो बॉडी है, वो कंकाल बन चुका है। वहीं थाना अध्यक्ष नीतीश परमार का कहना है कि उसको पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जो जांच है वो की जाएगी। यहाँ पर कौन इससे पहले यहाँ पर रहता था, क्या उनमें से कोई व्यक्ति लापता है या फिर ये कहीं और कोई और मामला है, लेकिन फोरेंसिक टीम का तात्पर्य कहना है जहाँ पर कंकाल पड़ा हुआ था वहाँ पर एक रस्सी भी बंधी हुई है ऊपर कुंडे में, यह खुदकुशी का मामला हो सकता है। जी चलिए ठीक है, शहजाद शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। उत्तरकाशी में उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने एक वाहन से गहने का बैग चुराने वाले 4 चोरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल टेली से एक परिवार शादी के लिए उत्तरकाशी आया था, कुछ युवकों ने उनके खड़े वाहन का लॉक तोड़कर गाड़ी में रखा गहने का बैग चोरी कर लिया और भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। छानबीन में सभी चोर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो चोरी कर बिहार जा रहे थे, जिन्हें पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 5 तोला सोना और कुछ कैश पुलिस ने बरामद किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।